बलूचिस्तान में लजबेला के करीब पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता। आईएसपीआर के मुताबिक कोर कमांडर क्वेटा समेत 6 अफसर सवार थे। हेलीकॉप्टर लजबेला में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। लापता होने वाले अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज 12 कोर, मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती डीजी कोस्ट गार्ड, मेजर सईद पायलट, मेजर तलहा को पायलट, नायक मुदस्सर हेली क्रू भी शामिल। बोल न्यूज पाक फौज के अफसरान और जवानों की सलामती के लिए दुआ को। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का लापता होने पर सदर अमरीका आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इशारे तशवीश। पाक फौज के अफसरान की सलामती के लिए दुआएं। आर्मी हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी परेशान कुन है। इमरान खान का ट्वीट, का हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के लिए दुआ गो हूँ। वजीर खारजा, चेयरमैन सेनेट, वजीर आला पंजाब समेत दीगर शख्सियात भी अफसरान की हफाजत के लिए दुआ गो। इलेक्शन कमीशन हुकूमती दबाव में आ गया। तहरीक इंसाफ ममनुआ फर्नी केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। चंद रोज कबल हुकूमती इत्तेहाद ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी, ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला था। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें और मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। अगले इलेक्शन में धांधली का प्लान बना हुआ है। ईवीएम मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीके खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान और ईरान में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम की भरपूर मुखालफत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।